तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है हाउ वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड कंडेंसर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंडेंसर में वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है, क्या फ्रेंड्स इजेक्टर द्वारा वैक्यूम क्रिएट होता है या इस कंडेंसर में सेल्फ वैक्यूम क्रिएट होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द कंडेंसर, यानी इस कंडेंसर में हम लोग टर्बाइन रोलिंग से पहले वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं। अगर अभी तक वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड कंडेंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझते हैं कि इस कंडेंसर में वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यह क्या फ्रेंड्स हमारा टरबाइन है, यह क्या हमारा कंडेंसर है और यह क्या फ्रेंड्स हॉटवेल, और हॉटवेल के नीचे हमारा क्या लगा है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप यानी सीईपी। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि इस टरबाइन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से स्टीम इनलेट होता है और इस टरबाइन के अंदर स्टीम एक्सपेंड होने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर से एग्जॉस्ट होकर के कहां जाता है तो कंडेंसर में जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग समझेंगे इस कंडेंसर में सेल्फ वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनिशियली क्या करते हैं हम लोग, यहां का एयर इसलिए रिमूव करते हैं ताकि एग्जॉस्ट स्टीम इस कंडेंसर में फ्लो हो। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम यहां पे आता है यानी कंडेंसर में जैसे एंटर करता है, एग्जॉस्ट स्टीम क्या होगा फ्रेंड्स कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के हॉटवेल में कलेक्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सरफेस कंडेंसर का फंक्शनिंग के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या है हमारा स्टीम है और यहां पर क्या है फ्रेंड्स हमारा वॉटर में कन्वर्ट हो गया यानी कंडेंसेट अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो स्टीम है यहां पे, जो हमारा स्टीम है इसका वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हाई होता है और इस कंडेंसेट का यानी वाटर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वह क्या होता है फ्रेंड्स लोअर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर को जब हम लोग हीट अप करते हैं तो उसका आयतन 1600 गुना फैलता है, यानी कि फ्रेंड्स 1600 टाइम्स उसका वॉल्यूम क्या होता है एक्सपैंड होता है जब भी हम लोग वाटर को हीट अप करेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स, उसी स्टीम को फिर से हम लोग कंडेंस करेंगे तो इतना टाइम्स हमारा क्या होता है उसका वॉल्यूम में रिडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे क्या है हमारा स्टीम है और यहां पे क्या है हमारा वाटर है। तो फ्रेंड्स, सिमिलरली जो एग्जॉस्ट स्टीम का वॉल्यूम होगा इस कंडेंसेट के वॉल्यूम का मोर देन 1000 टाइम लार्जर होगा। और फ्रेंड्स, जैसे हम लोग का हायर वॉल्यूम का स्टीम इस कंडेंसर ट्यूब के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा फ्रेंड्स वह अपना हीट को रिलीज करने लगता है और जैसे हीट रिलीज होगा तो क्या होता है फ्रेंड्स कंडेंसेट में कन्वर्ट होगा और जैसे कंडेंसेट में कन्वर्ट होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा फ्रेंड्स 1000 टाइम डिक्रीज होगा। जैसे हमने यहां पर अभी डिस्कस किया है कि वाटर को जब गर्म करेंगे तो 1600 गुना फैलता है और जैसे हम लोग उसको कंडेंस करेंगे तो 1600 गुना वह क्या होता है रिडक्शन भी होता है। तो जैसे हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम को हम लोग कंडेंस करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है, बहुत तेजी से ड्रॉप करता है, 1000 टाइम्स उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स, इस वॉल्यूम का डिक्रीज होने की वजह से इस जगह पे क्या होता है हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है और एग्जॉस्ट स्टीम इजीली इस कंडेंसर सेल में फ्लो करने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कैसे यहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है इसको चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक खाली बोतल है और जब हम लोग इस बोतल को डायरेक्ट पानी में इमर्ज करेंगे तो आप देखे होंगे कि बोतल में पानी भर नहीं पाता है क्योंकि बोतल के इनसाइड में हमारा एयर का प्रेशर होता है जो कि इस पानी को इनसाइड में भरने नहीं देता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इस खाली बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे, बहुत कम अमाउंट में पानी लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे एक ओवन के अंदर रख करके गर्म करेंगे। तो जैसे पानी को गर्म करेंगे तो इनसाइड में जो एयर है वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा और जो हम लोग का वाटर है वह क्या हो जाएगा पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बोतल को डायरेक्ट ओवन से निकाल करके इस पानी में फिर से इमर्ज करेंगे।
तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग इस बोतल को ओवन से निकाल करके पानी में इमर्ज करते हैं तो कुछ ही देर में इस बोतल में पानी भर जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग इस बोतल के अंदर स्मॉल अमाउंट में पानी ले करके जब इसको ओवन में हीट अप करते हैं तो इस बोतल के इनसाइड से जो एयर है वह बाहर की तरफ निकल जाता है और इस बोतल में जो भी प्रेजेंट होगा वह केवल हमारा स्टीम प्रेजेंट होगा यानी भाप प्रेजेंट होगा। और जैसे ही ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो यह जो स्टीम है फ्रेंड्स वह कंडेंस होना स्टार्ट होता है। तो जैसे कंडेंस होगा तो इस बोतल के इनसाइड में जो वॉल्यूम होगा ड्रास्टिकली बहुत तेजी से ड्रॉप करता है और इसके अंदर इनसाइड में जो एयर प्रेशर है बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो बकेट में जो पानी है उस पे एयर का प्रेशर क्या होता है, एटमोस्फेरिक होता है और बोतल के इनसाइड में हम लोग का प्रेशर बिलो एटमोस्फेरिक हो जाता है वॉल्यूम चेंज होने की वजह से। तो क्या करेगा, बाहर का जो एटमोस्फेरिक एयर क्या करेगा इसको पुश आउट करेगा और इनसाइड में पानी को भर देगा। तो फ्रेंड्स यहां पर वॉल्यूम चेंज होने की वजह से हम लोग का कैसे पानी भरा इस बोतल में, एक तो यह एक्सपेरिमेंट हो गया। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं जो कि हम लोग जनरल अपने लाइफ में देखते ही हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास एक प्लास्टिक का बोतल है, उसमें हमने गर्म पानी फिल किया और उसके बाद उसका ढक्कन को हम लोग क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि अब इसके अंदर एयर इंग्रेस ना हो। तो फ्रेंड्स कुछ देर बाद आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग का पानी कंडेंस होता है, ठंडा होता है, तो हम लोग का जो प्लास्टिक होगा फ्रेंड्स वह क्या होता है, पूरा पिचक जाता है, पूरा अपना शेप चेंज कर लेता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी वॉल्यूम चेंज का ही मैटर होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास एक खाली बोतल है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी इसके अंदर फिल करेंगे, हाफ लेवल तक पानी फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर खाली बोतल है तो इसके अंदर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा यानी एटमोस्फेरिक एयर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे हम लोग गर्म पानी भरेंगे तो जो एयर होगा वह फ्रेंड्स क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर की तरफ रिमूव होता है। और फ्रेंड्स जो हम लोग का वाटर सरफेस है, हम लोग हाफ इसमें पानी भरेंगे, वाटर सरफेस पे जो एयर होगा वह भी क्या होता है फ्रेंड्स, हीटेड होने लगता है, गर्म पानी के कांटेक्ट में आके हीट अप होने लगता है। उसके वजह से भी कुछ अमाउंट में एयर हमारा बाहर की तरफ रिमूव होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कैप को अच्छी तरह से टाइटली बंद कर देंगे ताकि बाहर से एयर अब इसके अंदर इंग्रेस ना हो। और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बोतल पे ठंडा पानी क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग इस बोतल पे ठंडा पानी स्प्रे करेंगे तो आप देखे होंगे फ्रेंड्स इस गर्म वाटर की वजह से बोतल के चारों तरफ टॉप में आप देखे होंगे पूरा वेपर दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स यह जो वेपर है ठंडा वाटर के कॉन्टेक्ट में आते ही क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट होता है। और फ्रेंड्स जैसे कंडेंस होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। और फ्रेंड्स इस बोतल के इनसाइड में जो भी एयर प्रेजेंट है जो कि गर्म वाटर के कॉन्टेक्ट में आके हीटेड हो गया है, तो जब हीट होता है तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक्सपैंड होगा। तो इस बोतल में जो एयर अवेलेबल है जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे तो वह एयर क्या होगा फ्रेंड्स, ठंडा होगा, जिसके वजह से जैसे कोई गैस ठंडा होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो एयर का जो वॉल्यूम है वह क्या होगा फ्रेंड्स, रिड्यूस होने लगता है। तो एयर का वॉल्यूम जैसे रिड्यूस होगा यानी कि इस बोतल के इनसाइड में जो एयर प्रेशर होगा वह क्या होगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्पेस हमारा स्टीम ऑक्यूपाई किया था जिसके वजह से वो कंडेंस होकर वॉल्यूम कम कर दिया और तो इस बोतल के इनसाइड में हम लोग का एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आउटर साइड में देखेंगे तो हम लोग का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हायर है। तो कभी भी हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो बाहर से इस बोतल के आउटर सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा जिसके वजह से जो हम लोग का बोतल है वह पूरा क्रैश हो जाता है, मतलब पूरा डैमेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पे वॉल्यूम चेंज होने की वजह से ही इनसाइड में हमारा लो प्रेशर क्रिएट हुआ यानी यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। तो फ्रेंड्स सिमिलरली इस कंडेंसर में भी ऐसे ही होता है, जैसे हम लोग का एग्जॉस्ट स्टीम यहां पे कंडेंस होता है तो लार्ज अमाउंट में वॉल्यूम चेंज होने की वजह से यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और एग्जॉस्ट स्टीम इजीली इस कंडेंसर सेल में फ्लो करने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे जब हम लोग का सेल्फ वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसके बाद हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग इजेक्टर सिस्टम यहां पे लगाए हैं उसका अब फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम इस कंडेंसर सेल में आता है तो हम लोग जानते हैं इस एग्जॉस्ट स्टीम के इनसाइड में हम लोग का कुछ अमाउंट में नॉन कंडेंसिंग गैस होता है जो कि हम लोग जैसे कोई केमिकल डोज करते हैं उसके वजह से बहुत सारा गैस रिलीज होता है जो कि कंडेंस नहीं हो पाता है। तो वह नॉन कंडेंसिंग गैस क्या करेगा, इस कंडेंसर सेल में क्या होगा, एक्युमुलेट होगा। जब हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे तो जो भी खाली स्पेस बच रहा है स्टीम कंडेंस होने की वजह से जो स्पेस बच रहा है उस स्पेस को यह नॉन कंडेंसिंग गैस
गैस फील करने लगेगा, जिसकी वजह से यह एग्जॉस्ट प्रेशर हम लोग का इंक्रीज होने लगता है। तो फ्रेंड्स यहां पे वैक्यूम कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी इजेक्टर या वैक्यूम पंप से जो नॉन कंडेंसिंग गैस यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग केवल रिमूव कर देंगे, तो यहां पे हमारा वैक्यूम जो है कंटिन्यू मेंटेन होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है और इनिशियली में हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं और फ्रेंड्स हमको कंटिन्यू मेंटेन करके क्यों रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।